News 18, India. और आंदोलनकारियों को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि बड़ा बयान उन्होंने दिया और कहा कि एमएसपी को लीगल गारंटी करना चाहिए, लेकिन ये सभी फसलों पर संभव नहीं है। उनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया कि हम अगर आते हैं मैनिफेस्टो में लाएंगे, लेकिन सभी फसलों पर एमएसपी ऐसे गारंटी में दी जाए ये संभव नहीं है। देखो भाई, उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है, हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें, एक तरफ तो देखिए शंभू बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं और उन्हीं के समर्थन में अब ग्रेटर नोएडा में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालना शुरू कर दिया है। दिल्ली के बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन के समर्थन में ग्रेटर नोएडा में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है, कितनी बड़ी संख्या में किसान आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए। नॉलेज पार्क से कलेक्ट्रेट सूरजपुर तक ये मार्च अभी निकाला जा रहा है और किसानों का यही कहना है कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उन्हीं के समर्थन में हमारा ये ट्रैक्टर मार्च है। तो बड़ी संख्या में किसान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मार्च अभी ग्रेटर नोएडा में निकाला जा रहा है और समर्थन जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं उन्हीं के समर्थन में ये किसान भी अब ग्रेटर नोएडा के अंदर अपने ट्रैक्टर को लेकर के सड़कों के ऊपर उतरते दिखाई दिए हैं। और दो सहयोगी न्यूज 18 इंडिया के इस वक्त जुड़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर तो मानव मौजूद ही है, लेकिन हिमांशु को भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। ये जो ग्रेटर नोएडा में अभी अभी मार्च निकाला जा रहा है, हिमांशु वैसे ही ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए हैं। कहां तक पहुंच चुका है ये मार्च हिमांशु? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क से निकाला गया और कलेक्ट्रेट पहुंच रहा है। फिलहाल एम एल जी चौक के पास है और आप देखेंगे भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली लेकर पहुंच रहे हैं, जो तमाम बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं उनके समर्थन में। और साथ ही जो मांग है, एमएसपी की मांग है, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू करने की बात है। और इसके साथ साथ जो नोएडा के मूल किसान की समस्या है, क्योंकि बीते कई वर्षों से नोएडा के किसान एनटीपीसी नोएडा अथॉरिटी के बाहर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इन्हीं सब मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत पवन खटाना हमारे साथ है सीधे बातचीत के लिए। पवन जी, इस मार्च का उद्देश्य क्या है? स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी भारत रत्न मिल जाए। अगर स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जाता है तो उनकी रिपोर्ट को क्यों नहीं? राम को मानेंगे, राम के काम को नहीं मानेंगे, स्वामीनाथन को नहीं मानेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, स्वामीनाथन को मानेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी एमएसपी को गारंटी कानून दे दो, C2+50 दे दो। इसमें दिक्कत कहां आती है सरकार को? और पिछले दिनों से पंजाब के किसान दिल्ली आना चाहते हैं, शंभू बॉर्डर पर रोक रखे हैं, आज भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। क्या ये किसान आतंकवादी हैं? किसानों के साथ इस तरीका से वार्ता होंगी? आप बैठ करके किसान से समझौता करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। सरकार ने दरवाजे खोल रखे, कहा ये बातचीत का दौर चलता रहना चाहिए, इसे रोकना नहीं चाहिए। 10 साल से बातचीत का दौर ही चल रहा है, किस तरीके से हंगामा किया जा रहा है वो भी सबके सामने। इन सबके बीच में शंभू बॉर्डर की स्थिति को देखते हुए पंजाब और हरियाणा पुलिस विशेष इंतजाम कर रही है। आपात हालात से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंजाब सरकार ने बॉर्डर पर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां तैयार रखी हुई हैं और हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं हरियाणा बॉर्डर पर अस्पतालों तक को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। किसानों के लिए पानी का इंतजाम भी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी लगातार लाइव हमारे साथ बने हुए हैं, मानव हमारे साथ, हमारे सहयोगी शंभू बॉर्डर से बने हैं। मानव, ताजा स्थिति क्या है? क्या सभी पीछे हुए या बातचीत के लिए जो रास्ता निकाला गया, बातचीत के बाद कुछ आगे देखेंगे?
देखिए, जैसे ये संदेश मिला किसान नेताओं को कि केंद्र सरकार पांचों दौर की बातचीत करना चाहती है, तो अब जो प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा था वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे, युवा तस्वीरें दिखाइए, जो युवा है, जो किसान है, जो प्रदर्शन में आज शामिल होने आए थे दिल्ली कूच के लिए, वो यहाँ से वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो बातचीत का रास्ता है उस पर किसान नेता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसी के साथ साथ जो दिल्ली कूच की कॉल थी वो अभी एक तरीके से होल्ड पर और स्टैंड बाई पर रखी गई है। पीछे आप देखेंगे जो मंच है वहां से लगातार ये अपील यहां पर की जा रही है कि अभी आपको संयम बरतना है, क्योंकि आपके जो जत्थेदार हैं, आपके जो प्रधान हैं, आपके जो किसान नेता हैं, वो सरकार से बातचीत करने जाएंगे, तब तक आप यहां पर संयम बरतें, हिंसा का हिस्सा ना बने, और ये अपील यहां से लगातार की गई है। दूसरी तरफ हरियाणा हो या पंजाब हो, दोनों ही तरफ पर भारी संख्या में यहां पर एम्बुलेंसेज बुलाई गई हैं, और उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 13 तारीख को जो हमने हिंसा देखी उसके बाद यहां पर कई लोग जख्मी हुए थे, जवान भी जख्मी हुए थे हरियाणा पुलिस के, तो अब ऐसे में दोनों तरफ यहां पर इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ एम्बुलेंस यहां पर लगाई गई है। हरियाणा पुलिस को कल थोड़ी सी फटकार लगी है, और जो मुख्य सचिव है पंजाब के, माफ कीजिएगा, पंजाब पुलिस को कल एक फटकार लगी है, और मुख्य सचिव से भी उनको भी एक तरीके से निर्देश दिए गए हैं आपके गृह मंत्रालय की तरफ से कि आपके राज्य में जो कुछ हो रहा है आप उसको संभालिए, क्योंकि ये माहौल बिगड़ सकता है, तो ये अपील यहां पर की गई है सरकार से। दूसरी तरफ हाईकोर्ट की तरफ से भी एक संदेश कल आया था कि ये सब कुछ सड़क पर क्या हो रहा है, लेकिन इसके बीच किसान ये कहता है कि इसकी वजह हम नहीं है, इसकी वजह हरियाणा पुलिस है, क्योंकि उन्होंने रास्ता रोका है, हमें तो दिल्ली जाना है, तो किसान दिल्ली जाने पर आमादा था। लेकिन इस बीच अभी किसान नेता बैठे हुए हैं पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ, क्योंकि एक समय तय होना है, बैठक का समय तय होना है, चंडीगढ़ में बैठक होगी और उसको लेकर आगे क्या होना है। अगला सवाल था, बताया जा रहा है 14 किसान नेता चंडीगढ़ अब जाने वाले हैं बातचीत के लिए, क्या वो निकल गए हैं, कौन कौन से चेहरे हैं जो चंडीगढ़ में शाम में आज हमें दिखाई देने वाले हैं? देखिए, हर बैठक में जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी संख्या ऊपर नीचे होती है, जो तीसरी बैठक थी उसमें 19 किसान नेता थे, चौथी बैठक में सिर्फ 14 ही किसान नेता गए थे, करीब 60 से ज्यादा संगठन हैं, 200 से ज्यादा संगठनों का समर्थन इन दो मोर्चाओं को मिला हुआ है। ये दो मोर्चे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, जो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, पंडेर और डंडेवाल इसके नेता है। फिलहाल उनकी बैठक हो रही है पुलिस के साथ, क्योंकि पंजाब पुलिस इसमें तीसरी पार्टी है जो केंद्र सरकार का मैसेज लेकर किसानों के पास यहां पर पहुंची थी। किसानों ने कहा कि हम आपकी बात कैसे माने, तो बकायदा एक ट्वीट कृषि मंत्री से कराया गया, वो ट्वीट किसानों को यहां पर दिखाया गया, क्योंकि किसान आज अड़े हुए थे दिल्ली कूच पर, उसके बाद किसान नेता यहां पर माने हैं। अब समय तय हो रहा है बैठक कब होनी है चंडीगढ़ में, यह समय भी बहुत जल्दी इसका ऐलान हो जाएगा, और बैठक के ऐलान के बाद यहां पर मामला पूरी तरीके से शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब इस बैठक के ऐलान का ही शायद इंतजार था, क्योंकि ये किसान बार बार कह रहे थे कि ऑफिशियली तो हमें किसी तरह का कोई निमंत्रण मिला नहीं है। अब इसके अलावा ये भी आप बताइए मानव, कि वो जो बड़ी बड़ी मशीनें पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था, वो तो एक तरह से जंग की तैयारी मालूम पड़ रही थी, उसे भी क्या थामा गया है? देखिए, आज सुबह ही जब ये खबर बहुत बड़ी हो गई कि बड़ी बड़ी प्रोक्लेन मशीनें लाई गई हैं, जेसीबी मशीनें लाई गई हैं, तो उसके बाद किसान नेताओं ने खुद ही ये कह दिया कि मशीन हम जरूर लेके आए हैं, लेकिन हम इन्हें आगे लेकर नहीं जाएंगे, और खुद पंडेर और डल्लेवाल ने ये बात कही थी। लेकिन अभी आप यहाँ पर तस्वीर देख पाएंगे, युगल जरा ऊपर से कैमरा उठा के दिखाइएगा कि एक जेसीबी मशीन आप देख पाएंगे जिसको बीच में स्टॉल यहाँ पर किया गया है, उसको यहाँ पर रोका गया है, कुछ और बख्तरबंद मशीनें यहाँ पर लाए हैं। किसानों का ये कहना है कि जब दिल्ली कूच करेंगे तो हमारे ऊपर हरियाणा पुलिस एक तरीके से रिटेलिएट करेगी, तो उससे बचाव करने के लिए हम इन मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इस पर कड़ी आपत्ति आपके सरकार की तरफ से जताई गई थी और एमएचए की तरफ से जताई गई थी कि इतनी भारी मात्रा में। हरियाणा पुलिस ने भी ये ट्वीट करके कहा है कि जो लोग इन मशीनों को किराए पर दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके से अपनी मशीनों को किसानों को किराए पर ना दें। तो हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस पूरे एक्शन में यहाँ पर दिखाई दे रही है, रात भर से ट्वीट हरियाणा पुलिस कर रही है कि इतनी तादाद में जो मशीनरी यहाँ पर जा रही है पंजाब पुलिस इनको रोकती क्यों नहीं। बकायदा एक पत्र आला अधिकारियों की तरफ से हरियाणा पुलिस के लिखा गया था पंजाब पुलिस को कि आप यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाइए, मीडिया कर्मियों के लिए बकायदा गाइडलाइंस रात को जारी की गई थी। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि पंजाब पुलिस ने थोड़ी बहुत ढील जरूर दी, लेकिन समय रहते अब यहाँ पर और ज्यादा पुरकिल मशीनों को या जेसीबी मशीनों को नहीं लाने दिया जा रहा है। किसान नेताओं ने भी साफ कह दिया है कि हमारे युवा
अलावा आगे नहीं जाएंगे। अगर आगे जाना पड़ा तो हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन फिलहाल बैठक का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा मामला यहाँ पर शांत हुआ है। युवा भी बॉर्डर से हटकर थोड़ा पीछे आए हैं और अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप संयम बरतिए, आपको संयम बरतना है, जब तक आपके लोग बातचीत कर रहे हैं सरकार से आपको एकदम शांत रहना है।